वह शिष्य भागा भागा गया गुरु जी के आदेश पर करके हस्तिनापुर महल पर पहुंचा। राजा जब ब्राह्मण कुमारों को देखे दौड़ करके प्रणाम करते हैं। यह ब्राह्मण बताया कि राजन आप अपना चित कर लीजिए, क्योंकि श्रृंगी भैया आपको श्राप दे दिए हैं, आज के सातवें दिन तक्षक सर पे आपको डसेगा, बचेंगे नहीं, उपाय कर लीजिए। राजा तक्षक नंद मुस्काने करते हैं, मरना तो है मृत लोग कहना, यहां कोई रहने के लिए नहीं आया है, यहां हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, मरने के लिए, आज मरे कल मरे, मरना तो है लेकिन मरो तो भगवान को याद करके मरो। यह जीवन क्या है थोड़ा ध्यान रखना, यह जीवन पारस पत्थर है, पारस पत्थर मिल गया तो क्या करेंगे, चटनी पीसेंगे, लेकिन दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, चटनी पीसते नहीं पीसते हैं, पीस रहे नहीं पीस रहे हैं, जितना चटनी अच्छा लगेगा उतना कुछ अच्छा लगता है नहीं है, चटनी सब खाते हैं, कभी काल तो भक्त लोग कहते हैं बाबा चटनी सुनाई नहीं कह देते, लेकिन चटनी मत खाओ। यह पारस पत्थर जो जीवन मिला है, चटनी मत पीसो, चटनी मत खाओ, इस पारस पत्थर को लोहा में छुआओ, लोहा क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। 84 लाख दुनिया भटकने के बाद यह मौका मिला है, बड़े भाग्यवान से तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। 84 लाख दुनिया भटकने के बाद यह जीवन मिला है पारस पत्थर, बस इसका एक ही लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, दूसरा कुछ नहीं है। यह जीवन जोग के लिए भोग के लिए नहीं मिला है, जो भोग करने में लग गया ना ते मर्तलों के वही भार होता, मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति, वह मनुष्य के रूप में नहीं मानो पशु के रूप में वह विचरण कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए मानवता को लाओ, मानव बनो, कभी मानव से दानव मत बनो, विचारे करके भोजन करो, विचारे करके बोलो, लेकिन जब भोजन पर विचार नहीं तो बोली पर विचार होगा, हाँ अरे लोग विचार नहीं करते, ये सुंदर शरीर क्या, मुख क्या, हवन कुंड है ना, हवन कुंड में क्या डालेंगे, हाँ डालते चले जाते, लेकिन यह शरीर यज्ञ स्वरूप है, यह मुख हवन कुंड है, जो भी डालो विचार करके डालो, विचार करके डालोगे तो सदाचार होगा, आचार्य विचार बनेगा तो भगवान का दर्शन भी होगा, दर्शन दूर नहीं नजदीक है, भगवान दूर नहीं पास में है नारायण, लेकिन जब अच्छा विचार उत्पन्न होगा तो नारायण पास में है, अच्छा विचार नहीं उत्पन्न होगा तो भगवान पास में भी रह करके दिखाई नहीं देते, भगवान दूर नहीं नजदीक है, लेकिन मनुष्य विचार नहीं करता, जो चाहता है जो पाता है वो खाता चला जाता है, जो चाहता है बोल देता है, बोलो कम खाओ कम दोनों कम रहेगा, जीवन बड़ा सुखमय रहेगा महाराज, जीवन बड़ा सुखमय रहेगा, लेकिन दोनों पर कंट्रोल नहीं लोग कर पाते, न भोजन पर न बोली पर, दोनों पर कंट्रोल रखो, हाँ करना चाहिए विचार करो। घर में कलह क्यों होता है, इसी को जैसे होता है ना, सासु एक बोली बोलती है, पतोहू दो बोली बोलती है, घर में कलह शुरू हो जाता है, तो बोली पर लगाम लगाओ, बाड़ी पर लगाम लगाओ, कम बोलो, आनंद आएगा घर में, सब लोग खुशमय, सब लोग प्रसन्नमय, सब लोग आनंदमय, सब लोग मानो घर हम सब लोग स्वर्ग बना सकते हैं, स्वर्ग दूसरा कुछ नहीं है, स्वर्ग तो यही है ना, सब कुछ यही है, यहां से परे कुछ नहीं है। सुत जी महाराज ने कहा, आज राजा तक्षक को मालूम होगा कि मुझे आज के सातवें दिन तक्षक सर्प डसेगा, राजा तक्षक घबराए नहीं, देखिए घबराना नहीं चाहिए, दुख में मत घबराना पंछी, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना, सुख में फूलो मत, दुख में
घबराओ मत। परीक्षित जी महाराज भगवान का दर्शन किए हैं, माता के उधर भी दर्शन किए हैं, बाहर भी दर्शन किए हैं महाराज। परीक्षित धैर्य धैर्यता को धारण किए, जाना तो है यह, सात दिन के बाद तक्षक आएगा, तो सात दिन का भी तो समय है। एक क्षण में, एक सेकंड में परीक्षित यह ताज यह राज छोड़ दिए। अपने बेटा जन्मेजय को बुलाए, बेटा ये ताज ये राज लो। अपने क्या कर लिए, बस एक यह चलाते हैं, एक यह चला ओढ़े रोड़ करके ताज राज को छोड़ करके चल लेते हैं गंगा के तट की ओर। जब पदार्पण घर से करते हैं, पूरे प्रजाओं में खलबली मच गई, सब लोग जो है कुछ कर दिए राजा के साथ, सभी प्रजा लोग राजा के साथ, मंत्री सब लोग चल दिए। और राजा परीक्षित कहां पहुंचे, गंगा के किनारे, क्योंकि गंगा कहां से निकली है, भगवान के चरण से निकली है। और भागवत की कथा कहां से निकला, भगवान के मुखारविंद से निकला, मुख से भागवत, चरणों से गंगा माता निकलती है। गंगा में गोता लगाओगे तभी धन्य धन्य हो जाओगे, भागवत रूपी कथा में गोता लगाओगे तभी धन्य धन्य हो जाओगे। दोनों भगवान के श्री चरणों से गंगा, मुख से भागवत की कथा, लेकिन धन्य है परिचित का सौभाग्य, गंगा का तट मिल रहा है और भागवत का कथा तो मिलेगा। गंगा मैया मिल गए तो भागवत तो मिलवे करेगा। गंगा के तट पर पहुंचे, अपरंपार भीड़ है प्रजाओं का, मंत्रियों का बहुत भीड़ हो गया। जो लोग जहां सुनते हैं महाराज, सब लोग चल दिए कि राजा परीक्षित को सातवें दिन सर्प काटेगा, बचेंगे नहीं, चलो बचाने के लिए चलेंगे, हम लोग कुछ सीख देंगे, कथा सुनाएंगे, कोई राम का कथा वाचक, कोई कृष्ण कथा का वाचक। आज बहुत सारे व्यास लोग आते हैं, भृगु वशिष्ठा चमना प्रस्तो मेधा तिथि देवल देवयापि, भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, मेधा तिथि देवल देवापि, विश्वामित्र व्यास जोगेश्वर, बड़े बड़े ऋषि महर्षि आज आ गए कहां, गंगा के किनारे। सब लोग आकर के बैठे हैं और बीच में क्या महाराज परीक्षित बैठे, सब लोग विचारे करते हैं, हम सीख देंगे। सब लोग शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। परीक्षित के कान में तो ज्ञान प्रवेश करता, हृदय में ठहरता नहीं है। कोई कहा भागवत की कथा, कोई कहा मानस की कथा, कोई कहा यह पुराण, कोई कहा वह पुराण, सब अपना अपना मंतव्य रखते हैं।